हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन स्टडी। दिस इज शेखर्षी और मैं आपका जनरल साइंस पोर्शन कवर कर रही हूँ फ्रॉम द सिलेबस ऑफ JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। सो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक कॉन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे चल के जब मैं दूसरे वीडियोज़ अपलोड करूँ या बाकी टीचर्स अपने सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ अपलोड करें, आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन लेक्चर। बहुत ही बेसिक वीडियो है और बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हम कवर कर रहे हैं, ताकि जब आगे चल के हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े या दूसरे टॉपिक्स पढ़े, आपको आसानी से समझ आए। सो दिस, ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, सो प्लीज़ आप इसको एंड तक देखिएगा। ये हमारे पास सिलेबस है जनरल साइंस का, वन बाय वन हम ये सब कवर करेंगे, हर किसी का वीडियो आपको मिलता रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, प्लीज़ आप अपने सामने एक नोटबुक रखिए, पेन रखिए और जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप वो नोट करते जाइए, ताकि कल को जब आप रिवाइज करो आपको बहुत आसानी हो जाए रिवाइज करने में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो बेसिक टर्म है, दैट इज मास। व्हाट इज मास? मास इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ मच मैटर इज इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मास। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें कितना मैटर भरा हुआ है, कितने एटम्स भरे हुए हैं, डेंसिटी क्या है उन एटम्स की, स्ट्रक्चर या टाइप क्या है एटम्स का, उसको हम बोलते हैं मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मास क्या होता है। मास इज मेजरमेंट। किसका मेजरमेंट? किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम है और डायमेंशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स का को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं रहती है। दे से कि मैम, डायमेंशनल फॉर्मूला को कैसे याद रखें? देखो, साइंस में लॉजिक काम करता है, तो याद कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप याद रखो। अब डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल फॉर्मूला खुद से बनाना बहुत इजी होता है। देखो, हमारे पास तीन बेसिक चीज़ें होती हैं, एम एल टी। एम इज़ फॉर मास, एल इज़ फॉर लेंथ, टी इज़ फॉर टाइम। ओके, इन तीनों से डायमेंशनल फॉर्मूला बनती है। तो देखो, मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी? एम इज़ मास, ओके, एम इज़ देयर। एल लेंथ में, इसका लेंथ का कोई कॉन्सेप्ट मास में नहीं है, सो दिस इज ज़ीरो। टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सो टी ज़ीरो। सो डायमेंशनल फॉर्मूला इज एम वन एल ज़ीरो टी ज़ीरो। ओके, मास दैट इज किलोग्राम एक बार, सो दैट इज एम वन एल ज़ीरो टी ज़ीरो, या इसको हम सिर्फ एम भी लिख सकते हैं। फाइन, सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इज वेट। वॉट इज वेट? देखो, वेट होता है फोर्स। कौन सा फोर्स? वो फोर्स जिससे अर्थ अपनी तरफ खींचती है किसी भी चीज़ को। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज द फोर्स बाय विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। ठीक है, अर्थ किसी भी चीज़ को अपनी तरफ किस फोर्स से खींचती है? सो जो वेट है ना, ये फोर्स होता है। ठीक है, दिस इज अ फोर्स। कौन सा फोर्स? वो फोर्स जिससे अर्थ अपनी तरफ किसी भी चीज़ को खींचती है। इसकी फॉर्मूला अगर हम देखें, दैट इज मास इनटू जी। ये जी क्या है? दिस इज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यानी ग्रेविटी का वैल्यू। जो ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, उसका वैल्यू जो हम लेते हैं 9.8 न्यूटन। ठीक है, ऐसा यूनिट इसका न्यूटन होता है, या फिर न्यूटन मीन्स kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम एज फोर्स, क्योंकि मैंने कहा वेट भी फोर्स ही होता है। और एक बात, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज वेक्टर एंड स्केलर? दो क्वांटिटी हमारे पास होती है, या तो कोई क्वांटिटी वेक्टर होगी या स्केलर होगी। याद रखिएगा, स्केलर जो क्वांटिटी होती है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की बात नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें एक तो मैग्नीट्यूड होगा और आपके पास डायरेक्शन भी होगी। अब चूंकि वेट में एक तो मैग्नीट्यूड, मास का मैग्नीट्यूड है, इनटू जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ग्रेविटी का फोर्स है, और जहाँ पे फोर्स होगा वहाँ पे डायरेक्शन तो होगी होगी। यहाँ पे डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, अपनी तरफ खींचती है, नीचे की तरफ खींचती है। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है, हमारे पास डायरेक्शन भी है, इसी वजह से वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। फाइन, अब आते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला पर।
हम खुद इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज एम एल टी। अब देखते हैं मास, मास हमारे पास है यस, कितना किलोग्राम, दैट मीन्स एम वन। एल लेंथ, लेंथ है किलोग्राम मीटर, यस लेंथ भी है, सो एल वन। एंड टाइम, टाइम है यस पर सेकेंड स्क्वायर, सो दिस इज टी रेज पावर माइनस टू। माइनस टू का मतलब है कि टाइम का फैक्टर डिवाइडेड में है, ठीक है। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेट, ओके। चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी हैव स्पीड, व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस, यानी कितने टाइम में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा हम कभी किसी कहते हैं कि इस ये ऑब्जेक्ट तेज स्पीड से मूव कर रहा है, हम वो कैसे कहते हैं? जब वो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो हम कहते हैं इसकी स्पीड तेज है, और अगर वो उसी टाइम में कम डिस्टेंस कवर करेगा तो हम कहते हैं कि इसकी तो स्लो स्पीड है। फाइन, सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड होता है कि किस टाइम में ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितने टाइम में वो जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, सो हम कहते हैं फास्ट स्पीड है। और अगर वो कम टाइम में कम डिस्टेंस या फिर ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस कवर करेगा तो हम कहते हैं उसकी स्पीड जो है वो स्लो है। ऐसा यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकेंड, या उसको ऐसे भी लिखते हैं। सो हमारे पास फॉर्मूला भी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो डिस्टेंस बाय टाइम, दैट मीन्स टाइम के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी टाइम बढ़ाओ स्पीड घटेगी, टाइम घटाओ स्पीड बढ़ेगी, और डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए हम इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, ओके। एम एल टी, सबसे पहले मास, स्पीड में मास अगर हम देखें, मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सो एम रेज पावर जीरो, फाइन। उसके बाद मीटर, मीटर दैट मीन्स लेंथ है, ऐसा यूनिट से बनता है डायमेंशनल यूनिट, सो लेंथ एल रेज पावर वन, एंड पर सेकेंड टी रेज पावर वन, सो एम जीरो एल वन टी वन, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड। आई होप आपको ये समझ आया हो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मैंने आपको कहा जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा। सो वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन, अगर हम स्पीड ले, ओके, स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर दो आपको वेलोसिटी मिलेगी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसके एसआई यूनिट्स भी सेम है, इसकी फॉर्मूला भी सेम है, सो डायमेंशन भी इसकी वही है, एम जीरो एल वन टी माइनस वन, ओके। एम जीरो हम चाहे तो ये लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, सो इट इज़ एल टी माइनस वन, फाइन। सो वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जिसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, फाइन। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके। वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो रही है, दैट इज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसी वजह से एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हमने देखा था एसआई यूनिट जो वेलोसिटी का था वो था मीटर पर सेकेंड, अब इसमें और एक टाइम फैक्टर ऐड किया है तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाता है। और डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी, मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इट्स जीरो, लेंथ इज दियर मीटर, और अब टाइम का डबल हो चुका है, स्क्वायर हो चुका है, सो माइनस टू, सॉरी। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हो रही है, दिस इज एक्सेलरेशन, ओके। आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी सबसे कम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कौन सी पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब मानो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, फाइन, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था ए पोजीशन पे, ए से वो बी चला गया, फाइन, बी से वो सी चला गया, ठीक है। तो ये मानो 2 सेंटीमीटर उसने कवर किया, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें, टोटल डिस्टेंस इज 2 + 1, दैट इज 3। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट इसकी दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, मानो ये यहाँ से यहाँ तक 2.5 है। सो
displacement is 2.5 because displacement is the shortest distance between initial यानी पहले कहाँ था final कहाँ पहुँचा उसके बीच में सबसे कम distance जो है that is called displacement. Fine. इसमें चूंकि direction भी होती है इसलिए this is vector quantity क्योंकि इसमें magnitude भी होता है और direction भी होता है. ओके अब हम देखते हैं इसका जो SI यूनिट है वो सेम डिस्टेंस का है दैट इज मीटर. सो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं. इसमें सिर्फ SI मीटर दैट मींस लेंथ का एक फैक्टर है बाकी मास जीरो टाइम जीरो. सो ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है. और अगर हमें इसको डिराइव करना होगा तो डिस्टेंस इज इक्वलेंट टू वेलोसिटी इनटू टाइम. ये तो हमारे पास वो वाला रिलेशन था velocity is equivalent to distance by time. तो उससे अगर हमें एक चीज़ पता होगी तो हम दो चीज़ें पता कर सकते सॉरी दो चीज़ें पता होगी तो तीसरी चीज़ पता कर सकते हैं. आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट भी समझ आया हो. आगे चलते हैं. वॉट इज मोमेंटम. मोमेंटम इज हाउ वी मेजर मास दैट इज इन मोशन. देखो मोमेंटम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है बट मोमेंटम इज वेरी ईजी कॉन्सेप्ट. देखो फिजिक्स में मोमेंटम को हम किसको कहेंगे. मोमेंटम होता है जब कोई बॉडी मोशन में होगी. ओके सो उस बॉडी का मास कितना है और वो किस वेलोसिटी से चल रहा है दैट इज द मोमेंटम. ठीक है कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है यानी मूवमेंट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट का मास कितना है इनटू उसकी वेलोसिटी कितनी है. वेलोसिटी और उसका मास मिलाकर हमें उसका मोमेंटम देते हैं. सो मोमेंटम की फॉर्मूला ही है मास इनटू वेलोसिटी. आपने सुना होगा स्पोर्ट्स में अक्सर जो कमेंटेटर्स होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि इस प्लेयर को रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है. या सबसे आपको एक एग्जांपल देखती हूँ क्रिकेट में जब एक फील्डर होता है वो बॉल कैच करता है उस बॉल का मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है इसलिए जब वो कैच करता है तो अपने हाथ पीछे ले लेता है जिस डायरेक्शन से बॉल आ रही होती है उसी डायरेक्शन में अपने हाथ पीछे लेता है ताकि वो उस बॉल का मोमेंटम कम कर पाए. ठीक है सो मोमेंटम होता क्या. मोमेंटम होता है एक ऑब्जेक्ट का मास जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उसका मास कितना और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है. इसका एसआई यूनिट हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड है. सो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं. देखो मास किलोग्राम दैट मींस यस एम रेज पावर 1 मीटर एल रेज पावर 1 पर सेकंड टी रेज पावर 1. सो हमारे पास इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज एम एल टी या फिर एम रेज पावर 1 L raised power 1, T raised power 1. Okay, this is momentum. Yeah, I hope आपको momentum समझ आ गया होगा. आगे चलते हैं. Second is impulse. Impulse को हम J से denote करते हैं. इसको confuse नहीं कीजिएगा. I से नहीं, इसको हम J से denote करते हैं क्योंकि I से inertia को denote करते हैं. Impulse होता है use it to describe the quantity, the effect of force acting over time to change the momentum of an object. देखो अभी हमने पढ़ा momentum क्या होता है. ठीक है momentum होता है एक object में mass कितना है और वो किस velocity से move कर रहा है. अब किसी object का momentum change करने के लिए जो force apply होता है that is impulse. Impulse force एक है. Impulse कौन सा force है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज करने के लिए हमें कितना फोर्स कितनी क्वांटिटी ऑफ फोर्स रिक्वायर है दैट इज इम्पल्स. इम्पल्स की फॉर्मूला होता है एफ इंटू डेल्टा टी. दिस डेल्टा इज चेंज इन टाइम. ऐसा यूनिट हमारे पास इसका होता है न्यूटन सेकेंड और किलोग्राम मीटर सेकेंड. सो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं. किलोग्राम दैट मीन्स एम रेज पावर 1 मीटर एल रेज पावर 1 और पर सेकेंड this is per second so t raised power minus 1. Fine so this is the dimensional formula for impulse. Now force. Physics में बहुत ही basic term है force. हर जगह apply होती है. force होता क्या है. force is an effort that changes the state of an object at rest or at motion. force एक effort होता है. कौन सा effort जो एक ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करता है. यानी अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाएगा. अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में लेकर आएगा. उसको हम बोलते हैं फोर्स. ओके
ये ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, उसकी वेलोसिटी भी चेंज कर सकता है, ठीक है। अगर वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बाय अप्लाइंग फोर्स हम उसको दूसरी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। अगर वो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है सो फोर्स अप्लाई करने के बाद हम उसको दूसरी वेलोसिटी से भी मूव करवा सकते हैं, और फोर्स जो है ये ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकता है। सो फोर्स का जो SI यूनिट है दैट इज न्यूटन। न्यूटन मीन्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, पहले इसकी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं। किलोग्राम दैट मीन्स n रेज पावर 1, मीटर दैट मीन्स l रेज पावर 1, टाइम टाइम इज पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर, जब मैं पर कहती हूँ ना, पर का मतलब ये डिवाइड में है, और डिवाइड में हम माइंस में लिखते हैं यहाँ पे, दैट इज माइंस 2, सॉरी 2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। और डिराइवेशन हम कैसे करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हम मास भी पढ़ चुके हैं, हम एक्सेलरेशन भी पढ़ चुके हैं। जब हम मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं तो हमें फोर्स मिल जाता है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which it continues in its existing state of rest or uniform motion in a straight line unless that state is changed by an external force. So inertia एक object की property होती है। क्या property होती है? जिससे वो object continue करते हैं, यानी अगर वो rest में है तो वो continue करेगा rest में ही रहना, या अगर वो मोशन में है तो वो कंटिन्यू करेगा मोशन में ही रहना जब तक कोई बाहर से कोई फोर्स आकर उसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज ना करे। देखो, हमारे पास तीन टाइप की इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम एक गाड़ी में होते हैं, ठीक है, जब गाड़ी स्टार्ट होती है, जब वो चलने लगती है तो हम पीछे की तरफ चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में इनर्शिया होता है, ठीक है, हम पहले रेस्ट पे होते हैं। अचानक से जब फोर्स मिलता है, जब गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है, हमारे पैरों के नीचे जो सरफेस होती है या जहाँ हम सीट पे बैठे होते हैं वो सीट आगे चलती है, तो हमें एक फोर्स मिलता है, एक्सटर्नल फोर्स। हमारी बॉडी उस फोर्स को अपोज करती है, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है तो वो उस फोर्स को अपोज करती है, जिसकी वजह से हमें वो जर्क लगता है, हम पीछे की तरफ चले जाते हैं। अब देखो, तीन टाइप्स होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन हम ऐसे समझो, जब गाड़ी चल रही होती है और वो ब्रेक मारती है, हम आगे की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी मोशन में होती है, ठीक है। अचानक से ब्रेक लगती है, गाड़ी रुक जाती है, लेकिन हमारी बॉडी अभी भी मोशन में ही होती है, जिसकी वजह से वो आगे चली जाती है। अब आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपने ये भी देखा होगा, जब कभी गाड़ी चल रही होती है, अचानक से वो कोई डायरेक्शन चेंज करती है, लेफ्ट की तरफ टर्न करती है या राइट की। अगर लेफ्ट की तरफ टर्न करेगी तो हम राइट की तरफ चले जाते हैं, अगर राइट की तरफ टर्न करेगी तो हम लेफ्ट की तरफ टर्न ये चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है, एक स्ट्रेट मोशन में चल रही होती है। जब अचानक से डायरेक्शन चेंज होती है, हमारी बॉडी उस चेंज को अपोज करती है, ठीक है, कुछ टाइम तक वो अपोज करती है, जिसकी वजह से हमें वो जर्क फील होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कभी भी जब गाड़ी लेफ्ट मूव करती है हम राइट की तरफ जाते हैं। वो हम राइट की तरफ क्यों जाते हैं? इनर्शिया की वजह से, क्योंकि इनर्शिया हर मैटर की प्रॉपर्टी है कि वो अपोज करता है, जो एक्सटर्नल फोर्स उसका स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करता है वो उसको अपोज करता है। आई होप इनर्शिया आपको समझ आ गया होगा। सो ऐसा ही यूनिट इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, ठीक है। सो हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं। किलोग्राम दैट मीन्स m1, मीटर स्क्वायर दैट मीन्स l2, और टाइम का कोई फैक्टर नहीं है, दैट इज t0। तो t लिखो या ना लिखो एक ही बात है। सो डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 l2 t0, ठीक है। सो दिस वॉज इनर्शिया। आगे, अब आगे हमारे, सो अभी तक जो हमने पढ़ा बेसिक टर्म्स ऑफ फिजिक्स की, आगे चल के हमें बहुत काम आएंगी। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा, आंसर्स कमेंट्स में लिख दीजिएगा। इन क्वेश्चंस के आंसर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, एंड आप एक बार ये क्वेश्चन पढ़िए और आप आंसर जो है कमेंट्स में लिखिएगा। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा, समझा हो, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे।
सो आप देखिए पहला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, इज इट किलोग्राम पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन न्यूटन मीटर। सो आंसर आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। सेकेंड इज व्हाट डू वी गेट बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, अगर हम मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट यानी मास इनटू वेलोसिटी करेंगे हमारे पास क्या होगा, फोर्स होगा, इनर्शिया होगा, मोमेंटम होगा या न्यूटन होगा। आप आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज अ फील्डर गिविंग अ स्विंग व्हाइल कैचिंग अ बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ, ये एग्जांपल ऑलरेडी मैं वीडियो में दे चुकी हूँ कि जब एक फील्डर बॉल को स्विंग करता है यानी जब वो कैच पकड़ता है ना थोड़ी टाइम तक उसको स्विंग करता है, ये किसकी एग्जांपल है, इज इट इनर्शिया, मोमेंटम, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्सिस, इम्पल्स की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, अगर आपको इम्पल्स पता है किसको कहते हैं तो आप उसका एसआई यूनिट डिराइव कर सकते हो, अगर आपको एसआई यूनिट आता है तो फिर डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इजी है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ वी इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, अगर हम किसी बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज करें मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा, फाइन मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करें, पहला ऑप्शन है वो बढ़ जाएगा मोमेंटम, सेकेंड है मोमेंटम कम हो जाएगा, थर्ड है मोमेंटम कॉन्स्टेंट उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या चौथा है कि इनमें से कुछ भी नहीं होगा। सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन, इंटरनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब वेलोसिटी चेंज होती है उसके लिए इंटरनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। ओके यानी उसके ऑब्जेक्ट के अंदर का फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहर से कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आती है उसका उसका जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो उसका अंदर का इंटरनल फोर्स होता है, इज इट ट्रू और फॉल्स। सो आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी तब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, न्यूटन्स तीनों लॉ जो न्यूटन के थे वो हम कवर करेंगे, और चूंकि हमने बेसिक पढ़ लिया है तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, और उसी वीडियो में पहले ही मैं इनके आंसर आपके साथ शेयर करूँगी। सो थैंक यू एवरीवन, अपने आंसर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको किसी क्वेश्चन से कोई डाउट है या आपको कोई चीज़ कोई टर्म है जो समझ ना आई हो, आपको डिस्कस करना हो, डिटेल आंसर चाहिए हो इन क्वेश्चंस की, तो आप मेरी सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम चैनल @ask_arshi। सो थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड लक।